मन की अद्भुत शक्ति से आप इस दुनिया के अंदर वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप सपने देखते हैं या फिर चाहते हैं। मन के अंदर इतना ज़्यादा चमत्कारिक रूप से शक्ति है कि अगर उसे आप सही अलाइनमेंट में ला दिए तो याद रखिएगा, यह आपके लिए पूरी तरह से चमत्कार कर देगा। जीवन एक पूरी तरह से जादू लगेगा। होता क्या है, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, घर का, परिवार का, कुछ भी चीज़ चल रहा हो, नौकरी का, पैसे का, तो सबसे बड़ी चीज़ है आपका मन अलग है, ऊर्जा अलग है, विचार अलग, भावनाएं अलग, सब अलग अलग हो रही हैं। तो आपको एक ऐसा ज़बरदस्त प्रोसेस, प्रैक्टिकल प्रयोग बताऊंगा, इसे करने से आपके जो मन है वह पूरी तरह से आपके उंगलियों पे नाचेगा। जैसे मदारी की उंगली पे बंदर नाचता है और अलादीन का चिराग जो है उसके मालिक के हिसाब से नाचता है। जो हुक्म मेरे आका, यह कार्य करेगा आपका मन। सबसे पहले चलिए आपको शुरुआत से बताता हूँ, स्टार्टिंग कहाँ से होता है। स्टार्टिंग सबसे पहली चीज़ें होती है जीरो, जहाँ कुछ भी नहीं है, जिसे हम शून्य कहते हैं, महासमाधि कहते हैं। उस शून्य की अवस्था में ही नाद उत्पन्न होता है, तब शुरू होता है कोई भी हलचल या फिर तरंग। तो जब आप मन में शून्य की अवस्था को लाएंगे, उसके बाद जिस चीज़ को आप पकड़ के रखेंगे वही चीज़ आपका सच होगा या फिर जादू होगा, जिसे लोग जादू या चमत्कार कहते हैं। जैसे किसी का किडनी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, बिगड़ गया, कोई व्यक्ति मरने ही वाला है, वह व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, या फिर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब रहता है, जिसका जीवन बहुत दुखमय रहता है, लेकिन वह व्यक्ति जो है बहुत पैसा कमा लेता है। यह सब चीज़ें लोगों की नज़र में चमत्कार है, लेकिन अगर सही चीज़ को आप जान गए मन की शक्ति को, तो यह चमत्कार नहीं है, यह आप भी कर सकते। मैंने बताया ना, व्यक्ति मरने वाला भी रहता है, लेकिन अगर उसके अंदर सांसें बाकी है तो भी वह पूर्ण स्वस्थ होकर जीवित रहता है। व्यक्ति के अंदर अगर कोई भी खामी है, कोई भी परेशानी, वह पूर्ण रूप से, यहाँ तक कि उसका तलाक भी होने वाला रहता है, घर परिवार भी छूटने वाला रहता है, तो भी पूरी तरह से वह जीवन को वापस ला सकता है। मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ मृत्यु की, जहाँ पर वह अपने शरीर को छोड़ने ही वाला है, उसे भी आप बचा सकते हैं। तो यह मन की चमत्कारिक शक्ति से ही संभव है। तो महासमाधि में उतरेंगे कैसे, वह एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को फॉलो करके जब शून्य की अवस्था में पहुंचेंगे, तब आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से एक विचार को, एक थॉट को पकड़ के रखना है, वही कहलाएगा चमत्कार। अब वहाँ पर कुछ भी पकड़िए, चाहे पैसा पकड़िए, या फिर आपको जीवन में अगर स्वास्थ्य होना तो स्वास्थ्य को पकड़िए, या फिर आपकी शादी नहीं हो रही तो जीवन में शादी को चाहते तो उसको पकड़िए। जिस चीज़ को आप वहाँ पर पकड़ के रखेंगे, जो चीज़ आप रहेंगे, वही चीज़ आपके साथ घटित होगा, वही होगा, वही आपके लिए जीवन में चमत्कार होगा। यह पूरा जीवन आपके अनुसार जैसा चाहते हैं वैसा रहेगा, कहीं भी कोई जगह पे जीवन में तकलीफ दुख वाला कोई बात ही नहीं रहेगा। यह जीवन पूरी तरह से हंसी खुशी से आपका पूरा कट जाएगा। तो मन को उस अलाइनमेंट में लाने के लिए सबसे पहले तो ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान डेली आपको अकेले में बैठना है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ध्यान के बाद आपका शुरू होगा। मन के अंदर अनगिनत विचार चल रहे हैं, अगर रेशियो देखें तो लगभग 50-60 हज़ार के आसपास जाता है एक मिनट में, जिसमें कोई समझ नहीं, कोई पकड़ नहीं, ऑटोमेटिक चल रहा है। तो ऊर्जा क्या होता है, जो आपकी आत्मा उसी के साथ भगती है, तो वहाँ पे आप उसको कुछ कर नहीं पाते हैं, यहीं पे गड़बड़ है। इसी चीज़ को अगर आप समझ गए तो आप भी कमाल कर देंगे, जिसे हम चमत्कार कहते हैं। तो इसको करना कैसे, इसको करने के लिए पहले शून्य आदत डालना पड़ेगा ध्यान की, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट डेली ध्यान करिए। उससे आपकी अवस्था जो है धीरे धीरे शांत होगी, मन विचार भावनाएं पूरी तरह से शांत हो जाएंगे, तो जीरो की अवस्था में पहुंचेगी। तब उस समय आप जो भी चीज़ चाहते हैं नाद उत्पन्न करेंगे, हल्का सा भी, महाशून्य महासमाधि में, तो वही चीज़ होगी। आपको अगर बिजनेस करना है उसको सोचेंगे, शादी करना है उसको सोचेंगे, पैसा चाहिए उसको, स्वास्थ्य शरीर, जो भी चीज़ सोचेंगे वही चीज़